मुख्यमंत्री जी का दौरा है 5 तारीख से, सब लोगों से उन्होंने पहले ही बात कर रखी थी कि वो निकलेंगे और अच्छी बात नीचे करो ना, लोगों के दुख दर्द को परेशानियों को वो सुनेंगे व्यक्तिगत रूप से वहाँ पहुँच करके, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और सरकारी योजनाएं धरातल पे उतर रही है नहीं उतर रही, कोई स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा नहीं हो रहा, ये भी वो देखेंगे तो अच्छी बात है। जेपी नड्डा अभी आया है बिहार, बीजेपी का आया है पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा महागठबंधन का। जेपी नड्डा कह रहे हैं बिहार में कि जंगल राज आ गया है, बिहार में नीतीश जी अपने सत्ता का समय आ गया, बीजेपी का सरकार बनाया जाए बिहार में। क्या बेचारे के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोलने। दिल्ली में क्या हुआ आप लोग नहीं देख रहे हैं, और ये सारी बातें तो जनता के बीच कई बार इन्होंने रखा है, और जनता ने कितनी बार इनकी बातों को ठुकरा दिया है। ये कोई मतलब तो है नहीं ना, कुछ भी कह देने से कोई राज थोड़ी ना आ जाएगा, आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। तो इन सब बातों से और नड्डा जी को तो हम लोग सब लोग जानते हैं, राजनीति में रहे हैं लोग, लेकिन बिहार के लोग तो जानते ही नहीं कौन है। चलिए भारत जोड़ो यात्रा में क्या आप लोग जाएंगे, भारत जोड़ो खत्म करा। एक बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि महागठबंधन जो है वो भाजपा के खिलाफ बना है, और महागठबंधन में किसी महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रहे हैं जो नेता हैं, अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो वो भाजपा की नीतियों का समर्थन करता है। और आप लोगों को भी पता है दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था हम लोगों का खुला अधिवेशन, वहां प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि कोई भी महागठबंधन महागठबंधन जो हुआ है महागठबंधन पर या नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह की बात अगर कोई करता है तो इसको हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में, बीमार होते हुए बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में है और गंभीरता से इस चीज को देख रहे हैं।